भगवान कृष्ण ने जब अपनी नर लीला समेटी और जब वो भगवान विष्णु अपने लोक को ये कृष्ण भगवान का शरीर छोड़ करके स्वधाम गमन कर रहे थे, तब उद्धव जी ने प्रश्न किया, बोले प्रभु आपके साथ मैं भी चलूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा, बोले नहीं, अभी आपका बहुत काम बाकी है, आप यहीं रहिए और मेरा समय अब जाने का आ गया है, मैं मेरी लीला समेट रहा हूं। तो उद्धव जी ने कहा, बोले प्रभु फिर आपकी शक्ति हमको कहां मिलेगी, मेरे लिए क्या आदेश है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ये मेरी पादुका चरण पादुका ले जाओ और इसको अलखनंदा में स्नान कराना और हरिद्वार में जाकर के कहीं मैत्रेय जी मिल जाए तो उनको मेरा यह संदेश देना। बोले क्या, कि मेरा जो स्वरूप है, मेरी जो शक्ति है, मेरी जो लीलाएं हैं, उस शरीर में मैंने समेट ली है और मेरी शक्ति को अब मैंने जो है इस भागवत में रख दी है। इस भागवत के अंदर, भगवान के भक्तों के अंदर मैंने इस शक्ति को छोड़ दिया है। ये संत जो है महिमा का ये प्रसंग जय उद्धव जी और भगवान कृष्ण की वार्तालाप है भागवत जी में। ये मैं आपको बांध के बता रहा हूँ, इसकी विस्तृत व्याख्या तो हमारे संत महात्माओं ने बहुत बड़ी की है, कभी भागवत कथा सुनाने का मौका मिले तब आती है, लेकिन ये छोटा सा मैं आप लोगों को एक नमूना दे रहा हूँ। उद्धव जी महाराज को भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धो मुझे संत लगे अति प्यारा, जाकी मैं मां वेद उचारा, उद्धो मुझे संत लगे अति प्यारा, मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारा और निस्दिन ध्यान धरे हृदय में, सब घर काज बिसारा, उदो मुझे संत लगे अति प्यारा। मैं संतन के पीछे पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिदारा और चरणन रज निज अंग लगाऊं, जिधर से संत निकलते हैं उनकी चरण को, उनकी दूरी को उठा करके मैं मेरे अंतर्वर्ती ब्रह्मांड को पवित्र करता हूं। और चरणदास जी ने भक्ति सागर में लिखा है कि संत हमारा पांव धरे जा धरू मैं हाथ, लारे लारे लाग्यो फिरू कबू न छोड़ू साथ। उद्धव से श्री मुख गयो संत हमारी देह, उनके चरण कमल की उद्धव प्यारी लागे खे, बालापन से हरी बजे जग से रहत उदास, नानक ऐसे संत की तीर्थ करते आस। अपना अपना लोक में सभी करे उत्साह, संत काया छोड़ के गमन करे किस राह, सात गांठ को पीन के साधु मान संक, राम रंग राता फिरे गिने इंद्र को रंग। भागवत जी के अंदर कपिल महाराज की माता जी का नाम क्या था कोई बताएगा? हाँ जी, कपिल भगवान जो है उनकी माता जी का नाम क्या था? देवती, माता देवती, सही है, उत्तर सही आया, ताली बजाओ। सुनना, माँ देवती और माँ, इधर माँ देवती है, उत्तर पुत्र कपिल है, और उधर देखिए आप माँ मेणावती है, पुत्र गोपीचंद है, इधर माँ वक्तु है, उधर बेटा फरीदा है। आप लोग इनके इतिहास सुने होंगे कि ऐसी माताएं बहुत संसार में हुई, बहुत संसार में हुई कि जब उनके गर्भ में बच्चा आया तभी उन्होंने ऐसी शिक्षा दी, ऐसी शिक्षा दी, ऐसी शिक्षा दी, ऐसे संस्कार उसमें दिए कि वो जब जन्म लिया उसने तो माँ मेणावती ने अपने पुत्र गोपीचंद को कहा क्या, अरे थारी माई कहे गोपीचंदा, तू तज दे माया का फंदा, तेरे पिता बंगाल का राजा जा, तेरे पिता बंगाल का राजा जाके बाजे नौपत बाजा,
तेरे पिता बंगाला का राजा जरे बाजे छती सू बाजा जाके बाजे छती सू बाजा रे जन काल गयो गटकाई तारी माई कहे गोपी चंदा तू तज दे माया का फन्ना लंकापति रावण होई जरी शंका मानता सोई लंकापति रावण होई जारी शंका मानता सोई जारी शंका मानता सोई रे जाका कुल मेरे हो नहीं कोई। एक लाख पूत सवा लाख नाती रावण का घर में दियो ने बाती तरी माई कहे गोपी चंदा तू तज दे माया का फंदा। तो एक मां ने तो अपने पुत्र को ऐसा उपदेश दिया ऐसा ज्ञान सुनाया। और एक बारी की बात बताऊं एक मां आपका बच्चा ने कहे देखो 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 बाबू बाबूजी आ गए बाबूजी आ गए बाबूजी आ गए। तो मैं तो अठहत्ते की सुनेड़ो हो भाई बाबाजी कान काट ले वाला न मैं सोचियो कि भाई आ कोई ये बच्चा ने क्यों कहरी दी के या आपने लावली भाई धोक दरा लावली आशीर्वाद दरा लावली कोई की करवा लेती थी के मार करने लार के देख ए बाबा जी कहा इतना खा जाए ला मैं क्यों रथा आ रही का बाबा जी डाकी कैसे हो गया रे जिन मारे समझ में आयो बाबा जी को तो टाबरन डर पापा में भी काम मिले। एक जगह खड़ा जो एक आदमी यार पग पकड़ लिया बहुत देर तक पग पड़े रह गया। मैं सोचियो कि वो कोई तगड़ो भगत दी क्यों कोई आपन जानकार दी क्यों पर आपा ही नहीं जाने वो वो कौन है कहीं है। मैं तो मारा मन में खुश हो रही हो कि कोई भगत दी क्यों पच वो इशारो कर बोल अरबी की माँ एक बच्चा ने कोई पिलारी देखो बा बा इशारा कर देख ले देख ले देख ले। मैं क्यों है काई कहे महाराज बुरो मत मान जो ओ बच्चो दूध कौन पी रहे जो कोई की माया करिए थुक है तो पीले नहीं है बाबा जी तन ले जाए ना तेरा पापा पकड़ में ले आए बाबा जी ने तेरा पापा पकड़ में ले आए कह तो तू दूध पीले नहीं है बाबा जी तन ले जाए ना। तो मैं कहना यहां चाहूं कि जो जिसो ज्ञान देवे ना बच्चा बच्चा ने मन तो पद मालूम पड़े को बाबा जी ने काम भी ले तो कहे ना कह बहुत सारा छोटा बच्चा ने भी गलत संस्कार दे दिया माँ बाप और माता को इन विशेष प्रभाव पड़े। माता एक संत बता रहे मन के कोई माँ गीत ज्यादा गाया करती तो कठे भी फंक्शन हो तो कार्यक्रम हो तो बिन गीत गावा के लिए ले जाता भी एक छोटो बच्चो तो भी का इंसुलिन की मात्रा जब आदमी के कम हो जावे या बढ़ जावे जब बिन यूरिन ज्यादा लागे पेशाब ज्यादा लागे पेशाब लागे तो वो बार बार भी मन के तो गीत गाती ने कि माँ कहाँ मैं पेशाब जाऊँ मैं पेशाब जाऊँ फिर अब माँ भी समझाती। एक दिन माँ भी ने समझाई कि तू पागल है अति भरी लुगाए का माए ना भरे आदमी का माए तू मन कहती पेशाब जाऊँ एंड मारे गीत में डिस्टर्ब करे तो काई गुरु यहाँ मत बोले यहाँ बोलवा से खराब लागे तो काई बोलू माँ कह तू यहाँ कह माँ मैं गीत गाऊ लाए माँ मैं गीत गाऊ तो मैं समझ जाऊंगी भाई तन पिशाब लागी है। तो बच्चा ने संस्कार देवा की बात बता रही हूं अभी बच्चा के दिमाग में फिट होगी भाई कभी भी बाथरूम लागो पिशाब लागो और आई घनी माँ मैं गीत गाऊंगा माँ मैं गीत गाऊंगा। तो माँ समझ जाती माँ भी बाथरूम कर लेती और कई दिन तक यहाँ की भाषा को प्रयोग करते रहते। तो एक दिन भी का पापा बारे रहता जो दुबई से आया बहुत तेज सर्दियों को टाइम सर्दियों को टाइम जना बा गीत गाबा जा रही जो किया पापा कन तो आ तो पापा कन रह जागे अच्छा तो मैं पापा कन रह जा तो वो बच्चों आपका पापा कन सोगो सुतो तो बिन रात में जागियो जागियो तो बिन बाथरूम लागी ने वो क्यों पापा के गीत गाऊं वो क्यों बेवकूफ एक तारी माई गणी गाबा ताई सो जा। अब वो फिर चुप पांच दस पांच सात मिनट रही हो के पापा कहां मैं तो गीत गासी हूं अरे के पागल है कि सुतो रहे। अब वो प्रेशर तो प्रेशर है ना भाई भी वो रुके गया अब सर्दी को बहुत समय हो वो क्यों पापा मैं तो गीत गासी हूं अरे के थारी माई गणी रे गाबा ताई तू खड़े हो सीख लिया अलग गल है क्या खटे कई कान में
अब बताओ सर जी को टाइम और गीत मकान गाले संस्कार दिया कौन माँ। इसलिए जितनी माताएं हैं बाद में यह कहना चाहूं कि बच्चा ने जो संस्कार मिले वे ज्यादा माँ को असर ज्यादा करे, ये वास्ते फिर बढ़िया संस्कार देना चाहिए। रानी मदालसा है ना, बिक चार बेटा हुआ, चार विक्रम सुबाऊ अलरक और अरिमर्दन और राजा शिखरध्वज की पत्नी ही वा। और आप लोग सुनिया वाला कि जब गुरुकुल में ही पढ़ती, जब पढ़ाई पूरी हुई, जब गुरुकुल में विदाई हुई तो आप को संकल्प कियो, कोई कियो कि मैं पूरी जिंदगी जो है शादी नहीं कराऊंगी, समाज की सेवा करूंगी। किसी ने संकल्प लिया कि मैं एकादशी का व्रत करूंगी, किसी ने संकल्प लिया कि मैं मतलब चतुर्मास करूंगी। लेकिन रानी मदालसा ने कहा अपने गुरुजनों से कि मेरा नारी का शरीर है, मेरा किसी पुरुष के साथ मेरा विवाह होगा, मेरी शादी होगी और मैं तुम्हारी इस पाठशाला को गुरुकुल को साक्षी मान करके और गुरु लोगों के सामने मैं संकल्प करती हूँ कि मेरी कोख से जो पैदा होगा वो दोबारा इस संसार में पैदा ही नहीं होगा, ऐसा ज्ञान देकर के अमर कर दूंगी। कितना बड़ा संकल्प किया उसने रानी मदालसा। और जब राजा शिखरध्वज के साथ शादी हुई तो राजा शिखरध्वज ने जब शादी होकर के वो आई तो उसके गर्भ में जब बच्चा आया तो उन्हें गीता भागवत रामायण ऐसे बहुत अनंत ग्रंथ पढ़े और सत्संग कथा ऐसी सुनी, मंदिर जो है व्रत है तीर्थ है दान है ऐसी क्रियाएं करी। और जब बच्चा सबसे पहले सुबाउ विक्रम का जन्म हुआ तो जन्म होते ही वो ऐसा प्रकांड विद्वान था, जन्म होते ही प्रकांड विद्वान था। और वो जब थोड़ा उम्र में बड़ा हुआ समझा तब वो संन्यास ले लिया उसने। फिर दूसरा हुआ सुबाउ, फिर तीसरा हुआ अरिमर्दन, ऐसे तीन को उसने साधु बना दिया। फिर चौथी बार राजा शिखरध्वज ने अपनी पत्नी से कहा, मदालसा से कहा, बोले मेरी वृद्धावस्था आ गई और तीन पुत्र जन्म दिए, तीनों को तूने माँ पुरुष बना दिया, ये कोई राजा भी तो बना, इस राज को कौन संभालेगा, अब मैं तो मेरा शरीर वृद्ध हो रहा है, कौन होगा। रानी कहती है चिंता मत करो अब की बार राजा आएगा। और रानी ने सारे ग्रंथ सारे भागवत गीता रामायण सब समेट के रख दिया। फिर मानव प्रताप वीर शिवाजी झांसी की रानी ऐसी तस्वीरें लगाई और ऐसे क्रांति के शास्त्र पढ़े। और जब जन्म लिया तो चौथा जो पुत्र हुआ तो कहते हैं कि वो बहुत बड़ा प्रकांड तेजस्वी राजा हुआ। और राजा होने के बाद उसने राज्य संभाला। जब माँ के 100 वर्ष पूरे होने लगे तो माँ ने गुरु जी के सामने संकल्प किया था स्कूल विद्यालय में कि चारों को मुक्त कर दूंगी। तो समस्या अब यह आई क्या कि तीन को तो मैंने मुक्त कर दिया लेकिन ये चौथा ये कैसे मुक्त होगा। तो उसके एक ताबीज बना कर उसके हाथ को बांध दिया और उसको कहा बेटा जिस दिन तेरे ऐसी आपत आ जाए कि अब मेरे प्राण जाएंगे, जब प्राणों का संकट आ जाए तो किसी बड़े संत से जाकर इसको खुला करके पढ़ लेना। क्योंकि वो जब गोद में खिलाती तो वो नाम ही ऐसे बोलती थी, अरे तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, चैतन्य निर्विकार है, अज्ञान निद्रा से तुझे ये भासता संसार है। इस भांति रानी मदालसा ने जो पूत को समझा रही, रतनपुरी वेदांत के सद्वचनों से उलरा रही, अरे तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू चैतन्य है, तू निर्विकार है, तू अजन्मा है, तू अनादि है, तू अमर है, तू जन्मदाता विश्व का, तेरा जन्म किसी से नहीं, ये जन्मदान संगात का तेरा, ये संबंध तुझसे नहीं, ये संबंध तुझसे नहीं, तू है मन इंद्रियों का साक्षी, निर्लेप ब्रह्म सरा रही, रतनपुरी सद वेदांत के सद वचनों से उजरा रही। तो कहे की भी नहीं है कि बात सुनाई तो साहब बच्चा एकदम क्रांतिकारी और विद्वान हुआ। अरे आपने माता बहना पता कहीं कहीं कहे छोरा हाबू आ गयो रे, बाबा जी कान काट ले ला रे, अब वो बड़ो है हाबू भी बड़ो हो जाए,
पर वो 12-15 वर्ष हो जाए डरबू करे वो भर जाएगा अकेलो ही। तो संस्कार जैसा दिया जाएगा वैसा ही संस्कार होगा। और मैं आप लोगों को इसके बारे में तो इतना ही कहूंगा कि रानी मदालसा ने वो ताबीज बांधा और अपने बड़े पुत्र को वो कह के गई कि मैंने तीन को मुक्त कर दिया है, चारों को मुक्त करने का मैंने गुरु आश्रम में वचन लिया था, ये छोटा छोटा भाई है इसको ज्ञानी बनाना तेरा काम है। तो बड़ा भाई विक्रम जो है वो आया और अपने भाई से कहता है भैया बहुत वर्षों तक राज कर लिया, ये राज मेरे को दे दे। बोले तुम साधु हो तुमको क्या पता राज कैसे चलता है। तो उसने राज नहीं दिया, उसका कहना नहीं माना, तो पड़ोसी राजा से मिलकर के फिर युद्ध किया और जब युद्ध के अंदर भाई भाई दोनों तलवारों से लड़के मरने लगे तो उसको याद आया ताबीज और अपनी दत्तात्रेय जी महाराज के लिए लिखा है। अत्रि पुत्र सती अनुसुया के बेटे दत्तात्रेय जी महाराज से वो ताबीज उन्होंने जाके खुलाया और उसमें यही लिखा था कि तू अमर आत्मा है, तू सत्य है, तू नित्य है, तू शुद्ध है, तू बोध रूप है और तू न जायते मृत्यु वा कदाचन, तू अजर अमर अविनाशी है। ये तू काहे के लिए मरता है, काहे के लिए लड़ता है। तो ये जो वचन सुने दत्तात्रेय जी के उसको बैराग्य हो गया और अपने भाई को राज दे करके कहता भैया अब तुम इस राज को संभालो, मैं तपस्या करता हूँ। जब उनकी तपस्या पूरी हुई, माँ का वचन पूरा हुआ तो वो बड़े भाई ने वापिस छोटे भाई को राज दे दिया और बोला मैंने मेरे माँ का वचन पूरा कर दिया और चारों भाइयों को मुक्त किया एक ही जन्म में। उसका ऐसा उस माँ को धन्यवाद है, उस माँ का ऐसा संकल्प था। तो बच्चों पर अपन जो कुछ कहते हैं ना इसका तो संस्कार कम पड़ता है, हम करके दिखाते हैं इसका संस्कार ज्यादा आता है। इस पद में उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने यह सीधा आदेश किया कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नहीं मुझसे न्यारा और बिन सत्संग मुझे नहीं पावे करोड़ यतन कर हारा। हे उद्धव जी बिना सत्संग के मैं कभी नहीं मिलूंगा। हनुमान जी महाराज राम जी महाराज जब परम धाम होने लगे शरीर छोड़ करके जब अपने स्वलोक को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज से कहा, बोले हनुमान तुम मेरा प्यारा भक्त है, मेरा प्यारा प्रिय भक्त है, मैं तेरे को साथ ले चलूं। हनुमान जी ने कहा बोले प्रभु कहाँ के मेरे लोक में स्वलोक में साकेत में। बोले वहां प्रभु ये सत्संग कब कब होती है। राम जी ने कहा वो तो मेरा लोक है, वहां सत्संग नहीं होती है, वहां तो हम स्वयं ही रहते हैं। हनुमान जी ने कहा बोले प्रभु फिर तो आप ही पधारिए। बोले आप नहीं चलोगे हनुमान जी। बोले आऊंगा। बोले अभी नहीं। कहा प्रभु। बोले क्यों। कि ये कोई जरूरी नहीं कि आप जिस लोक में रहते हैं वहां सत्संग हो, जिस लोक में आप रहते हैं ये जरूरी नहीं है कि वहां सत्संग हो, लेकिन ये निश्चित है कि जहां सत्संग होगी वहां आप निश्चित रूप से पधारेंगे। भगवान से कहा कि आप जहां सत्संग होगी वहां आप निश्चित रूप से पधारोगे। बोले आपको क्या मालूम। हनुमान जी ने कहा बोले संत को कहा, किसने कहा। बोले भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा। बोले क्या कहा। कि नारद जी ने पूछा कि प्रभु यदि हमको इमरजेंसी में आपका से संपर्क करना पड़े तो आपके सही नंबर क्या है, यदि हमें तुरंत मिलने की हमें इच्छा हो और तुरंत हम आपसे मिलना चाहें तो आपका सही पता स्थाई पता एड्रेस हमको बताइए। तो भगवान विष्णु ने कहा नारद जी मेरा सही पता मैं बताता हूं, ना हम बसामी वैकुंठे, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नचे, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नचे, मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले मैं वैकुंठ में नहीं मिलूंगा, तुम वैकुंठ में ढूंढोगे नहीं मिलूंगा, वैकुंठ खाली मिलेगा। ना हम बसामी वैकुंठे वैकुंठ में नहीं मिलूंगा योगी नाम हृदय नचे, योगियों के हृदय से भी चुर जाता हूं, योगियों के यहां भी हृदय में भी नहीं मिलूंगा। तो मम भक्ता जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, तत्र तहां निश्चित रूप से उपस्थिति किसी न किसी रूप में मैं आता हूं। ये भगवान के वचन है। यदि ये भगवान के वचन सत्य है तो यहां भी किसी न किसी रूप में भगवान आए हैं, लेकिन हमको नहीं दिखेंगे, हमको नहीं दिखेंगे। वो दिखने के लिए उसको दिव्य दृष्टि चाहिए। संजय को व्यास मुनि ने दिव्य दृष्टि दी
और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। तो कहते हैं कि हनुमान जी बोले बोले प्रभु आप जहाँ सत्संग होगी जहाँ कीर्तन होगी आप निश्चित रूप से आओगे, इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे को यही रहना ठीक है। तो वह राम जी ने कहा बोले हनुमान तुम आओगे नहीं? क्या आऊंगा? क्या कब आओगे? तो हनुमान जी का इतना सटीक जवाब था कि प्रभु जब तक इस धरती पर यह सत्संग होती रहेगी, जब तक इस धरती पर यह कथा और सत्संग होगी, तब तक मैं इस धरती छोड़ करके आपके बैकुंठ में नहीं आऊंगा। तो कहते हैं उधर राम जी ने हनुमान जी का संवाद लिखा है, इधर भगवान उद्धव जी और भगवान कृष्ण और उद्धव जी का संवाद है, और भगवान कृष्ण ने कहा संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नहीं मुझसे न्यारा, और बिन सत्संग मुझे नहीं पावे, करोड़ यतन कर हारा, करोड़ जतन कर हारा, उदो मुझे संत लगे अति प्यारा, जाकि मैं मां वेद उचारा। और संत जनों का सेवक जग, जो इस संसार में सेवक है, भगवान का भक्त है, और भगवान क्या कहते हैं, मैं हूं भक्तन को दास, भक्त मारे मुकुटमणि। भगवान ने कितनी बड़ी बात कही, मैं उन भक्तों का दास हूं, मैं उन भक्तों का सेवक हूं, मैं हूं भक्तन को दास, भक्त मारे मुकुटमणि। बहुत सारे ऐसे भक्त हुए इस दुनिया में, ऐसे भक्त हुए, भगवान ने प्रतिज्ञा करी कि ऐसा नहीं करूंगा, और भक्तों ने प्रतिज्ञा करी ऐसे करवा के छोड़ेंगे और करवा दिया। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं भक्त के आगे कमजोर हूँ, और भक्त में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, भक्त जनों का सेवक जग में, संत जनों का सेवक जग में, सो सेवक मुझे भारा। इस दुनिया में वो संत मुझे मेरे ऊपर भार है, जो वो भक्त भक्तों का मेरे ऊपर भार है, जो सेवक है, जो सेवा देते हैं, जो सेवा करते हैं, संत जनों का सेवक जग में, सो सेवक मुझे भारा, ब्रह्मानंद संत जन जग में, बहुबंध में टनहारा। महात्मा कहते हैं कि इस मार्ग में थोड़ा संघर्ष जरूर है, थोड़ा सा तपस्या जरूर है, थोड़ी सी त्याग और साधना की जरूरत जरूर है, लेकिन ये दिखने में मार्ग थोड़ा सा दुर्गम है, लेकिन जब चलते हैं तो बहुत सुगम है। और एक मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ, आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ नहीं, इति दुर्लभ है, और इस मनुष्य जन्म में हमें संसारिक सारा काम करता हुआ इस जीव का कल्याण करने के लिए हमारे संत शास्त्रों का, हमारे आचार्यों का और हमारे विद्वानों का हमें ये आदेश है कि इस मनुष्य जन्म में रहते हुए, इस जन्म में हम सब काम करते हुए, जब हम 100 काम करते हैं तो ये 101 काम और करो, एक काम और बढ़ाओ उसमें, क्या ये सत्संग, ये कथा, कहीं भी सत्संग हो, कहीं भी कथा हो, कहीं भी, कहीं तुम लोग पढ़े लिखे हो तो घर में गीता जी रखिए, भागवत जी रखिए, रामायण रखिए, और बहुत संत वाणियां है वो रखिए, कोई अध्यात्म की पुस्तकें रखिए, तो आपके आने वाला भारत, आने वाला समाज, आने वाला देश जो हमारा होगा, उसमें ये संस्कार उतरेंगे, नहीं तो धीरे 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 ये संस्कृति लोप हो जाएगी, और आप और हम जिस जो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, गर्व से कहो हम ऐसे हैं ऐसे हैं, ये सब बातें धीरे धीरे लोप हो जाएगी। इसलिए मनुष्य जन्म में आकर के ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं भी और मेरे सहित सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी जय जयकार हो, सबका सब लोग निरोग रहे, और सब लोगों को जो है शांति मिले, और सबका भला हो, और सबकी एक बार फिर से जय जयकार हो।